सहना वो सहनौ सह वीर करवा वही तेजस्वी धीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति 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 न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान गुण जो है वो आत्मा का गुण है क्योंकि जिसके इच्छा आदि होते हैं उसी का ही ज्ञान गुण भी होता है तो यहाँ पर ये अनेक पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से यहाँ तक ये सिद्ध हो गया चौंतीस नंबर सूत्र तक जैसे इच्छा द्वेश निमित आरंभ हो जिसकी आरंभ और निवृत्ति होती है उसी के ही इच्छाद्वेष होते हैं और जिसके इच्छा द्वेष है उसी का ही ज्ञान गुण भी है अब यहाँ पर एक नया प्रसंग पूर्व पक्षी चला रहे हैं अत्र भूत चैतनिक आह वो कह रहे हैं कि भाई आरंभ निवृत्ति किसकी देखी जाती है शरीर इंद्रियों की तो इसलिए इच्छा द्वेश भी हम किसके मान लेते हैं शरीर इंद्रियों के मान लेते हैं आत्मा की क्यों माने क्योंकि जब प्रत्यक्ष ही हमें दिखाई दे रहा है कि हम किसी चीज के लिए प्रवृत्त होते हैं तो वहां शरीर और इंद्रिया ही प्रवृत्त होती हैं या किसी चीज से हटना चाहते हैं निवृत्त होना चाहते हैं तो वहां पर भी शरीर और इंद्रिया ही निवृत्त होती हैं तो क्यों ना हम भूतों को ही चेतन मान लेते हैं फिर अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है तो फिर इससे क्या होगा इच्छा द्वेष मन के ही गुण माने जाएंगे आत्मा के नहीं माने जाएंगे तलिंगत्वात इच्छा द्वेश पार्थिवादीशु अप्रतिषेध तलिंगत्वात मतलब इच्छा द्वेश तलिंगत्वात इच्छा द्वेश जो है वो तलिंगत्वात माने प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगत्वात प्रवृत्ति निवृत्ति के साधक होने से पार्थिवादीशु पृथ्वी आदि पांच भूतों से जो बना हुआ शरीर है इन शरीरों में ही चेतना भी है और इच्छा द्वेष भी है ऐसा मान लेना चाहिए इसलिए पार्थिव आदिशु अप्रतिषेध है पृथ्वी आदि मानी शरीर इंद्रिय जो भूतों से बने हैं इनमें चेतना का अप्रतिषेध है आप प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे अर्थात ये ही चेतन है ऐसा मानना है आरंभ निवृत्ति इति निवृत्ति जिसकी आरंभ और निवृत्ति है इच्छा उसी के इच्छा द्वेश माने जाएंगे और आरंभ निवृत्ति देखी जाती है शरीर इंद्रियों की इसलिए इच्छा द्वेश गुण भी किसके हैं शरीर इंद्रियों के तस्य ज्ञानम और उसी का ही ज्ञान है जिसके इच्छा द्वेश है उसी का ही ज्ञान भी है इति प्राप्तम तो ये प्राप्त हुआ पार्थिव आप्य तेजस वायवीय नाम शरीराणाम क्योंकि जितनी भी आरंभ निवृत्ति देखी जाती हैं वो सब शरीरों की देखी जाती हैं और शरीर कितने प्रकार के हैं कुछ पार्थिव हैं कुछ आप्य शरीर हैं कुछ तेजस शरीर हैं कुछ वायवीय शरीर हैं अलग अलग लोगों में तो इन शरीरों की आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेश ज्ञान इति चैतन्यम इनके साथ ही इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग है ऐसा इनका मानना है मन शरीर इंद्रियों की ही चेतनता है क्योंकि चेतन के बताए ना ये इच्छा द्वेष ज्ञान तो शरीर को ही आप वो मान लीजिए चेतन मान लीजिए इंद्रियों को चेतन मान लीजिए क्यों हेतु क्या था इनका यहाँ पर उनमें आरंभ निवृत्ति देखी जाती है है ना तलिंगत्वाद इच्छा द्वेश आरंभ निवृत्ति के लिंग वाले हैं इच्छा द्वेष आरंभ निवृत्ति यहाँ देखी जाती है तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती परस्वादि आरंभ निवृत्ति दर्शनाथ विल भी आरंभ निवृत्ति तो परशु में भी देखी जाती है लकड़ी काटते हैं ना तो वो लकड़ी काटने की क्रिया का प्रारंभ भी होता है परशु से और उस परशु की निवृत्ति भी देखी जाती है तो फिर तो आरंभ निवृत्ति के देखे जाने से परशु में भी इच्छा द्वेष होने चाहिए यदि आप आरंभ निवृत्ति के बल पे ही भूतों में इच्छा चैतन्य मान रहे हैं तो यहाँ भी मानना पड़ेगा फिर शरीरे चैतन्य निवृत्ति ही शरीर में चेतनता की निवृत्ति है शरीर चेतन नहीं है क्यों आरंभ निवृत्ति दर्शनात इच्छा द्वेष ज्ञान योग पर आरंभ निवृत्ति के देखने से ही देखे जाने से इच्छा द्वेष योग इति इच्छा द्वेष और ज्ञान का उसके साथ यदि योग कर देते हैं तो, है तो फिर परशु आदि जो कर्ण हैं जिनका आरंभ निवृत्ति देखी जाती है उनमें भी चैतन्य होने लगेगा वो भी चेतन होने लगेंगे कुल्हाड़े आदि भी कर्ण जो है जो भी करण अथ शरीर से इच्छादि भीष आदि के साथ योग है तो परस्वादे आरंभ निवृत्ति यदि आप कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष ज्ञान का योग शरीर आदि के साथ है भौतिक पदार्थों के साथ है तो फिर बोले इसका व्यभिचार देखा जाता है इसमें परशु आदि में परश्वादेस्तु णस्य आरंभनिवृत्ति निवृत्ति वे भी चढ़ते तो हैं क्योंकि यहाँ आरंभ निवृत्ति तो है लेकिन इच्छा देश पूर्वक नहीं है इसलिए ये हेतु आपका उचित नहीं है जो आपने पैंतीस नंबर में दिया था पार्थिव तेजस वायवीं शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञान योग इनमें आरंभ निवृत्ति देखे जाने से इनका ज्ञान के साथ भी योग है ये हेतु उचित नहीं है अयम तरह अन्य तलिंग पार्थिवादीशु अप्रतिषेध तो बोल ठीक है इसका हम ना एक अलग ढंग से अर्थ करते हैं इस सूत्र का अयम तर ही अन्यो अर्थ इसका अन्य अर्थ ये है तलिंग इच्छा द्वेश पार्थिवादीशु अप्रतिषेध क्या कर रहे हैं नाम भूता नाम आरंभ आरंभस्तावत त्रस स्थावर शरीरेशु तद अवय व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष बोलिए जो पृथ्वी आदि जो भूत पृथ्वी आदि भूता नाम आरंभस्तावत जब ये बने ना प्रारंभ में सृष्टि के आदि में तभी त्रस स्थावर शरीरेशु त्रस मतलब छोटे छोटे शरीर हैं एक तो पांच भूतों से बने हुए कीट पतंग आदि त्रस और स्थावर शरीर पेड़ पौधे आदि और स्थावर शरीर इनको भी कहते हैं देवता मनुष्य आदि को तो उस समय पर ही ये निर्णय कर दिया था की हैं तो सारे ही पांच भूतों के ही जैसे परशु आदि भी पांच भूत वाले हैं अवयव वाले हैं और ये कीट पतंग भी पांच भूत वाले हैं और मनुष्य देव आदियों के जो निकाय हैं शरीर हैं वो भी पांच भूत वाले हैं तो उस समय ये कर दिया था तद व्यूह लिंग पांच भूतों का जो अलग अलग व्यूहन है कुल्हाड़े में अलग व्यूहन है देवता मनुष्यों के शरीर में अलग व्यूहन है पांच भूतों का कीट पतंग में अलग है तो वहां पर ये निर्णय कर दिया था सृष्टि के आदि में ही तद व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष कि जो छोटे कीट पतंग आदि हैं या जो मनुष्य देवताओं के जो शरीर हैं उनमें प्रवृत्ति विशेष होगी कुल्हाड़े आदि में नहीं होगी तलिंग अर्थ कर दिया ये इन्होंने पूर्व पक्षी ने तलिंगत्वात्कार क्या कर दिया त्रश स्थावर शरीरेशु तलिंगत्वात ऐसे कि जो जो ये शरीर मनुष्य आदि के कीट पतंग आदि के इन इन में उन भूतों में चेतना देखी जाती है और कुल्हाड़े आदि में नहीं देखी जाती है तो यही कह रहे हैं तद अव्यव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष त्रस स्थावर शरीरषु तद अव्यव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष है लोस्ट आदि आदिशु च लिंगा और लोस्ट आदि जो है उनमें प्रवृत्ति लिंग का अभाव होने से विशेष अभाव निवृत्ति विशेष प्रवृत्ति का अभाव होने से वहां पर क्या है निवृत्ति तो कुल्हाड़े आदि में ये जो दिखा रहे थे दोष तो वो नहीं दिखेगा ना, व्यविचार नहीं होगा कि भैया तो सृष्टि के आदि में ही निर्णय कर दिया था कि पांच भूतों से बनने वाले ये ये जो शरीर हैं इनमें तो प्रवृत्ति निवृत्ति विशेष होगी और कुल्हाड़े आदि में नहीं होगी आरंभ निवृत्ति लिंग जहाँ, जहाँ आरंभ निवृत्ति देखी जाती है वहां वहां तो में तो नहीं होंगे आरंभ निवृत्ति और मनुष्यों के शरीर इंद्रियों में रहेंगे पार्थिव आदिशु अणुषु तद और क्योंकि पृथ्वी के जो अणु मतलब परमाणु यहाँ पर प्रारंभिक उनमें तद दर्शनात् उनका दर्शन होने से इच्छा द्वेष योग इच्छा और द्वेश का योग हो गया उनके साथ तद योगात ज्ञान इति और उनका योग होने से फिर ज्ञान का भी योग है तो शरीरों में इच्छा द्वेष का भी योग है ज्ञान का भी योग है इति सिद्धम भूत चैतन्यम इति इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि भूतों में चेतनता भी है और इच्छा द्वेष भी है लेकिन ये निर्णय कर दिया था कि कौन कौन से भूतों के निकायों में ये इच्छा द्वेष और ज्ञान दिखाई देंगे अभिव्यक्त होंगे किसमें नहीं होंगे तो इसका उत्तर दे रहे हैं कुंभादीशु अनुपलब्धे बोले तो फिर ये कुंभादी में उसकी अनुपलब्धि है किसकी इच्छा द्वेष की एक खास व्यूहन बताया ना इन्होंने कि पांच भूतों का जो एक खास व्यूहन है जैसे देव मनुष्यों के निकाय कीट पतंग के निकाय उनमें तो होगा और वैसे जो पार्थिव है आदि भूत उनमें नहीं होगा इच्छा द्वेष चैतन्य तो बोले फिर तो कुंभ आदि जो है उनका व्यूहन उनका भी तो एक खास व्यूहन है ना तो उसमें तो मिलता नहीं है ये इच्छा द्वेष कुंभादीशु अनुपलब्धे अहेतु कुंभादियों में इच्छा द्वेष की अनुपलब्धि होने से ये आपका हेतु उचित नहीं है कि सृष्टि के आदि में ही पांच भूतों में इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग कर दिया था कुंभादि मृत अवयवा नाम व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ बोले जो कुंभादि मृत अवयवा नाम व्यूहलिंग मिट्टी के जो अवयव हैं उनका जो व्यूहन वहां हो रहा है घड़े में वो वो क्या है प्रवृत्ति विशेष तो वो उन मृत कण आदि का प्रवृत्ति विशेष ही तो हुआ मिट्टी के एक एक कण में परमाणु में ही क्या जुड़ा हुआ है इच्छा ज्ञान अब उनका जो एक खास व्यूहन किया घड़े में तो यही तो प्रवृत्ति है उनकी परमाणुओं की चैतन्य आदि की और इच्छा द्वेष वाले उन भूतों की तो कह रहे हैं कुंभ आदि मृत कुंभा मृत अवयवा नाम व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ उस प्रवृत्ति विशेष को ही तो आरंभ कहते हैं और प्रवृत्ति विशेष निवृत्ति और जो सिकता बालू आदि हैं जिनका खास व्यूहन नहीं हुआ बस बालू के कण ऐसे पड़े हैं नदी के किनारे तो वहां पर सिकता प्रवृत्ति विशेष अभाव है। वहां पर उन पंचभूतों के प्रवृत्ति विशेष का अभाव है तो उसको क्या कहेंगे निवृत्ति तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों दिखा दी यहाँ पर भूतों की मृत सिकता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान योग तो कह रहे हैं यहाँ पर ये यह जो मिट्टी के कण हैं जिनसे कि घड़ा बना था मृत सिकता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात मिट्टी और बालू में आरंभ और निवृत्ति का दर्शन होने से आरंभ और निवृत्ति तो दोनों जगह देखी जा रही है तो यहाँ पर इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान योग है, तो इच्छा द्वेष और ज्ञान का यहाँ पर योग होना चाहिए लेकिन होता तो नहीं है घड़े में तो इच्छा द्वेष ज्ञान दिखाई नहीं देते हैं इति अहेतु रीति इसलिए आप कोई भी इसका अर्थ तोड़ मरोड़ के बनाए ये आपका हेतु उचित नहीं है आगे कह रहे हैं नियमानियम तद विशेषकू कह रहे नियम और अनियम किसका नियम अनियम प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियम क्या है यदि सृष्टि के आदि में पांच भूतों में जो उसके परमाणु थे उनके साथ ही प्रवृत्ति और निवृत्ति जोड़ दी गई तो और इच्छा द्वेष भी उसके साथ ही जुड़ गई तो फिर तो सब भूतों में ही होना चाहिए यही तो नियम होता है नियम वही तो होता है कि भाई सबके लिए समान है ये और या तो वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं कभी दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये अनियम हो गया तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियम और अनियम है वो तद विशेषको तद विशेषको माने तत् का मतलब है यहाँ आत्मा आत्मा उस उनका विशेषक होता है उनको विशेषित करता है आत्मा माने आत्मा के हाथ में जब कुंभ या कुल्हाड़ा आदि आएंगे तब उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है अपने आप नहीं होती है उनमें नियमानियम तू तद विशेषक विशेषक मतलब भेद साधक इनमें भेद करने वाला कौन है आत्मा तो उस आत्मा के भेद साधक हैं ये नियमानियम तयो हो इच्छा द्वेश नियमानियम विशेषको ये जो इच्छा और देश द्वेश का नियम और अनियम है Osionfish. कभी होता है कभी नहीं होता है ये क्या है विशेषक विशेषक मतलब भेद कऊ ये भेद करने वाला वा है जस् इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति न स्वाश्रे ये क्या भेद कर रहा है क्या विशेषता बता रहा है इस नियमानियम की तो यह कह रहा है जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते ज्ञाता के इच्छा और द्वेष के निमित्त से प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति होती हैं न स्वाश्रय इन भूतों के अपने आश्रय से, से नहीं होती हैं जब ये भूत इनका कोई प्रयोजक कोई चेतन आत्मा होती है कोई ज्ञाता होता है और उस उसका जो इच्छा द्वेश और ज्ञान है तो उसके अनुसार इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है न स्वाश्रय इनके अपने आश्रय से नहीं होती है भूतों के किमतरी तो किसके आश्रय से होती है आत्मा हो गया प्रयोजक और शरीर हो गया प्रयोज्य तो उस प्रयोज्य के आश्रय से माने वो जो आत्मा का प्रयोज्य आश्रय है अर्थात शरीर तो उसमें ये प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है तत्र प्रयोज्य मन शु प्रवृत्ति निवृत्ति स्त न सर्वेशु इति अनियमोपपत्ति मतलब ये नियम नहीं है कि सब जगह ही प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है कहाँ देखी जाती है आत्मा के अधीन आत्मा के प्रयोज्य रूप में जो शरीर आदि हैं वहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है बाकी में नहीं देखी जाती है ये अनियम हो गया यस्य तु जत्वात् नाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय तस् नियम और कह रहे यस्य तु जिस पूर्व पक्षी के मत में ज्ञत्वात भूतानाम भूत ही क्या है ज्ञान से युक्त हैं चैतन्य से युक्त हैं भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते है। जिसके मत में भूतानाम जत्वात भूतों के ज्ञान युक्त होने के कारण इच्छा द्वेष निमित्ते उनके इच्छा और द्वेष के निमित्त से आरंभ निवृत्ति स्वाश्रयी आरम्भ और निवृत्ति उनके अपने कारण ही होती है शरीरों के अंदर क्योंकि शरीर या भूत ही क्या है अपने आप में ज्ञान और इच्छा द्वेष से युक्त हैं तो कह रहे हैं तस्य फिर उसके मत में तो नियम होना चाहिए क्योंकि सारे ही भूत क्या हैं इच्छा द्वेष ज्ञान से युक्त हैं तो सब भूतों में क्या होनी चाहिए प्रवृत्ति निवृत्ति दिखनी चाहिए यथा भूता नाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति ही गुण प्रतिबंधाच्य निवृत्ति भूतमात्रे भवती नियमेन जैसे कह रहे हैं दूसरे नियम सब भूतों में एक समान चलते हैं कौन सा नियम चलता है यथा भूता नाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति जैसे भूतों में गुणांतर के निमित्त से किसी अन्य गुण के निमित्त से प्रवृत्ति होती है किस गुण के निमित्त से प्रवृत्ति होती है भूतों में भूत जैसे ये अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि इनमें जो गति है ये किस कारण से है गुरुत्वाकर्षण के कारण गुण बता रहे हैं ना तो गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण इनमें प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है और गुण प्रतिबंधाच्य निवृत्ति और किसी गुण विशेष के प्रतिबंध से निवृत्ति देखी जाती है जैसे कोई वस्तु ऐसे चल करके आ रही है मानो पेड़ से पत्ता टूटा नीचे आया तो वो प्रवृत्ति होगी उसकी और उसकी निवृत्ति कब हो जाएगी गुणांतर प्रवृत्ति गुण प्रतिबंधाच्य किस गुण के कारण निवृत्ति हो जाएगी संयोग गुण के कारण जैसे उसका पृथ्वी के साथ संयोग हुआ तो पत्ती की निवृत्ति हो जाएगी और वहां से गिरा था तो गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवृत्ति हो रही है तो ये नियम है ना भूत मात्र में सब भूतों में ये नियम है ऊपर से किसी भी चीज को आप डालोगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे प्रवृत्ति होगी और जैसे संयोग हुआ तो संयोग गुण के कारण निवृत्ति तो कह रहे हैं जैसे ये सब भूतों में नियम से देखा जाता है यथा भूता नाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति गुण प्रतिबंधा निवृत्ति भूतमात्रियमे नियमेन एवं भूतमात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वास्थ्य तो कह रहे हैं इसी प्रकार यदि भूतों में ही इच्छा द्वेष और ज्ञान है तो इनके स्व आश्रय ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी चाहिए यही नियम होना चाहिए न तो बहुत होता तो नहीं है कुल्हाड़ा अपने आप थोड़ी चलता है जब किसी चेतन के हाथ में जाता है तब चलता है घड़ा अपने आप ही नहीं चलता है जब कोई चेतन उसको लेकर के चलता है तब वो चलता है तो कह ऐसे अगर इनका अपने आश्रय स्व ही इच्छा द्वेष ज्ञान होता तो प्रवृत्ति निवृत्ति भी स्वाश्रय से आताम अपने ही आश्रय से होनी चाहिए थी न तो बहुत होती नहीं है तस्मात् प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न इसलिए ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये किसके आश्रित हैं प्रयोजक आश्रिता प्रयोजक कौन है आत्मा चेतन प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न प्रयोज्याश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति सिद्धम प्रयोजक के आश्रित ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्न है और वो कहा प्रवृत्ति निवृत्ति उसके कारण कहा होती है प्रयोज्य आश्रय अर्थात शरीर उस प्रयोज्य आश्रय में अर्थात शरीर में ये प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है सिद्ध हुआ तो आ यहां तक क्या खंडन हो गया भूतों का चैतन्य खंडित हो गया और दूसरा दोष क्या आएगा भूतों को चेतन मान लेंगे तो एक शरीर तू ज्यात्री बहुत निर एक ही शरीर में कई ज्ञाता हो जाएंगे क्योंकि शरीर कितने भूतों से बना तो पांच तो ज्ञाता हो ही गए सारे चेतन है ना भूत तो अभी तो हमारे शरीर में एक ही ज्ञाता है और अगर भूतों को चेतन मानेंगे तो पांच ज्ञाता हो जाएंगे फिर निर उसका कोई प्रमाण है नहीं क्योंकि प्रमाण क्या है प्रत्यात्म वेदनीय क्या है एक ही ज्ञाता है भूत चैतनिक एक शरीर बहुनी भूतानी बोले जो भूत को चैतन मानने वाला व्यक्ति है भूत चैतनिक इसके मत में शरीर बहुनी भूतानी क्योंकि शरीर में तो बहुत सारे भूत है पांच तो है ही है कम से कम तो ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न गुणानी इति ज्यात्री बहुत प्राप्तम तो हरेक के अपने ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न गुण हैं तो ज्यात्री बहुत प्राप्त तो बहुत सारे ज्ञात की प्राप्ति होने लगेगी ओम इति ब्रुवत प्रमाणम नास्ति तो यहाँ इन्होंने अपनी हार मान ली बोले हाँ ये तो ठीक है ओम इति ब्रुवत हाँ भरते हुए तो देखो अच्छे हैं ना क्योंकि इनके पास अब और कोई प्रमाण नहीं है पेश करने के लिए तो बोले ये तो ठीक है अगर इनको चेतन मानेंगे तो पांच ज्याता होने लगेंगे शरीर में ओमिति ब्रुवत प्रमाणम नास्ति यथा नाना शरीरेशु ना, नाना ना जर बुद्धि एवं एक शरीर अनुमान ज्ञात्री बहुत इति यथा नाना शरीरेशु जैसे भिन्न भिन्न शरीरों में नाना ज्ञाता अनेक ज्ञाता है अलग अलग भिन्न भिन्न सबके शरीर में जाता है तो ऐसे ही करें हैं बुद्ध्यादि गुण कैसे पता लगा ज्ञान आदि जो गुण है उनका व्यवस्था होने से सबका ज्ञान अपने उनकी व्यवस्था अलग अलग है सब शरीरों में एवं एक शरीर ऐसे ही एक शरीर में भी बुद्धिदि व्यवस्था अनुमानम बुद्धि आदियों का ज्ञान का जो व्यवस्था है वो होने लगेगी अनुमानम सी बहुत है। अगर बहुत सारे ज्ञाता मानेंगे तो फिर सबके निर्णय अलग अलग सबका ज्ञान अलग अलग बहुत सारे ज्ञाताओं का तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दृष्ट अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतान अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष और कह रहे हैं किसी अन्य गुण के निमित्त से प्रवृत्ति विशेष भूतों में देखा जाता है सो अनुमानम अन्यत्रपि। तो वो प्रमाण भी लगा लेना चाहिए एक तो किस क्या था इनका भूतों के प्रवृत्ति का कारण इच्छा द्वेष प्रयत्न तीन बताई ना तो इच्छा द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है तो बता ही दिया बच गया क्या प्रयत्न हमारे प्रयत्न से भी तो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ना शरीर इंद्रिय आदि में द्वेष से भी होती है और उसके साथ ही साथ एक और गुण है प्रयत्न इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानी आत्मनोलिंगम तो कितने बताई चार गुण बताए ना नहीं सुख दुख इच्छा द्वेष तो हो गए ना और ज्ञान प्रयत्न है ना तो ये कह रहे हैं दृष्टस् अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष है किसी अन्य गुण के निमित्त से भी प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है भूतों में और वो अन्य गुण क्या है प्रयत्न इच्छा द्वेष तो है लेकिन प्रयत्न नहीं करता है यदि तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी तो सो अनुमानम तो वो प्रमाण अन्यत्र भी लगा लेना चाहिए दृष्ट करण लक्षणेशु भूतेशु परश्वादीशु और ये जो है ये प्रयत्न गुण है ये जो दूसरे करणलक्षणेशु भूतेशु जो कर्ण लक्षण वाले भूत हैं कर्ण मतलब साधन कुलाड़ा साधन है ना एक परशु आदि करण लक्षणेशु भूतेशु परश कुलाड़ा आदि जो कर्ण स्वरूप वाले जो भूत हैं उनमें देखा जाता है ये प्रयत्न और उपादान लक्षणेशु च मृत प्रभृतिशु ये तो कर्ण लक्षण भूत थे परशु वाले तो और मिट्टी आदि ये घड़े में क्या है उपादान लक्षणेशु मृत प्रभृतिशु वहां उपादान लक्षण भूत हैं मिट्टी के कण तो इनमें भी मिट्टी के कणों से भी घड़ा कैसे बनेगा प्रयत्न पूर्वक इच्छा द्वेष प्रयत्न इच्छा द्वेष होने के साथ साथ प्रयत्न भी होना